विश्वविद्यालय थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर नकली पिस्टल दिखाकर युवक से मोबाइल फोन छीना। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर डेनवी रोड में एक स्कूटी पर तीन युवकों ने साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति को पहले तो मारा, उसके बाद युवक को पिस्टल दिखाकर युवक का मोबाइल फोन छीन लिया। मगर युवक अपना साहस दिखाते हुए उन्होंने उसका पिस्टल छीनकर विश्वविद्यालय थाना आ गया, जहां मालूम पड़ता है कि यह पिस्टल महज एक खिलौना है। सर, यहां पे जा रहे थे, थोड़ा दूर मंदिर है आगे। किस जगह? इस जगह पे, जगह का कोई पता तो नहीं, ये ढलाई वाला रास्ता है ना, यहां पे यूनिवर्सिटी थाना से आगे, यूनिवर्सिटी थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। हाँ। जा रहे थे तो तीन लड़का था, स्कूटी पे था, सवार था, सड़क के साइड में वहाँ पे खड़ा था वो। हम जा रहे थे फोन से बात करते हुए अपनी मम्मी से। अब पैदल थे? पैदल, साइकिल से पैदल जा रहे थे। मीडिया से है तो वो गाली देने लगा हमको। हम पूछे कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, हम तो अपने रास्ते से जा रहे, तुमको कुछ कह नहीं रहा, और गाली देने लगा, तुम बोलेगा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करने लगा, कुछ कहने लगा। बोले भाई तुमसे हम ना कोई बैर है, तुम्हें दुश्मनी नहीं है, तुम हमको काहे के लिए ऐसा कर रहे हो, ना तुमको हम कुछ बोले हैं। बोला तू ज़्यादा बोलेगा, बट गाड़ी पे बैठ, तुमको ले जा रहा। हम डिनाई करने लगे कि हम नहीं, हमको भाई छोड़ो, हमको कोई आपस में कोई मामला बढ़ाना नहीं है, रहने दो, हम जा रहे हैं। फिर मेरा फोन छीन लिया, बोला कि अब तू बैठ गाड़ी पे, तेरे को खोजे मिले चलते, बताते तेरे को। तो गन दिखा दिया मेरे को, गन दिखाने के बाद थोड़ा हम भी थोड़ा डर गए अंदर से। फिर हम बोले कि भाई हमको कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं करना, तो हमको फ़ोन दे दो, हम जा रहे हैं, कोई गलती होगी हमसे, सॉरी। फिर मेरे को बोला कि तू अब निकल ला, फ़ोन नहीं मिलेगा तुझे। जब देखे तो उसके गन को, जब देखे कि वो अब उसके कंट्रोल थोड़ा सही नहीं है, हम उसके गन पे हमला कर दिए, फोन गन को ऐसे पकड़ लिए कि वो छुड़ा ना पाए हमसे। तो वो अब जान बचाने के लिए उसको पड़ गया, वो भागने की कोशिश करने लगा, वो हल्ला करने लगे, हम कुछ इकट्ठे हो गए लोग, वो अपनी जान को मतलब बचाने के चक्कर में भाई स्कूटी पे बैठ करके भागने लगे। हम उसको झपट्टा दिया, जो पीछे में बैठा हुआ लड़का था उसको गिरा करके पकड़ के वापस फिर पब्लिक के बीच में लिया। तो वो स्कूटी वाला आगे बढ़ गया, तो पब्लिक ने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में गन है, तुम पहले स्टेशन जाओ, इसको छोड़ दो, ये पकड़ा जाए, जबकि हम उसको पकड़ के ले आए थे यहाँ पर। तो उसको बोला कि भाई तुम स्टेशन जाओ, छोड़ दो इसको, रहने दो। हम चुपचाप उसको छोड़ के स्टेशन यहाँ आ गए, गन दे दिए सर को। कहाँ है गन? कौन थाना में है? कौन थाना में है? ये यूनिवर्सिटी थाना। कैसा गन है, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? ये तो हम नहीं बता सकते, कभी देखे नहीं है। आपका मोबाइल आपको मिला? नहीं, मोबाइल लेकर वो लोग फरार हो। वो तीन लोग थे? वो तीन लोग। आप सिंगल थे? यानी हाथापाई हुई आप लोग के? आपको मारा भी है? मारा भी है। क्या स्कूटी का नंबर याद है? नहीं, स्कूटी का नंबर इस बीच हमने देखा। कलर क्या था स्कूटी का? अंधेरे में तो वो भी नहीं बता सकते। कै बजे घटना? अभी अभी लगभग 20 मिनट 25 मिनट पहले घटना हुआ। लमसम टाइमिंग? टाइम अभी देख लें, 6:30 के आसपास। अभी विश्वविद्यालय थाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुलदेव ठाकुर। पिताजी का नाम? राम प्रकाश ठाकुर। घर? घर मेरा खुटवारा हो गया, यहाँ स्टेशन के पास रहता है। थाना पड़ा तो क्या बोला गया? थाना पर आया तो बाइक से सर थे, बोले चलो पहले पीछा करते हैं उसका, पीछा किए भी, लेकिन वो लोग मिले नहीं कहीं तक, तो वापस आ गए। फिर आप देखते आगे क्या होता है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।